हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सी के पी स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं छोटू कुमार, जो कि आज का मेरा क्लास होगा जो कि ये द्विघात समीकरण का जो कि है आज जो कि फोर मैथमेटिक्स क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स का जो कि है होगा। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं देखूंगा इसमें जो कि है द्विघात समीकरण का। तो पिछले वीडियो में मैंने जो कि 18 क्वेश्चन तक का मैंने जो कि बात कर लिए थे, आज मैं जो कि बात करूंगा जो कि 19वां क्वेश्चन से इसमें बात इस वीडियो में बात करूंगा। तो जो कि 19वां क्वेश्चन मेरा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि यदि ए और बी समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो के मूल है तब क्या होगा। तब देखिए ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर हो जीरो हो तो इसका मूल क्या होगा। तो देखिए अगर इसका ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी अगर रहेगा तो इसका मूल्य नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो कि समीकरण जो मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मेरा गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा क्या है, गलत है। अगर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एक्स ऐसे सी रहता तो उस तरह से समीकरण मेरा निकलता है। तो यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन दे दिया ए एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी दे दिया बराबर जीरो, तो मूल इसका नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई नहीं, ये मेरा जो कि ऑप्शन में नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। करा एक एक जिस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस ए बराबर जीरो के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे तो वह क्या होगा। वास्तविक और भिन्न होगा तो वो मेरा क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो कि समीकरण मैंने पिछले में बताया था, तो अगर आप इसे जो कि मुझे कमेंट में जवाब दे देंगे, ठीक है दोस्तों। कमेंट इसे आप लोग का कमेंट नहीं आ रहा, आप कमेंट कीजिए कि सर ये मेरा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो उसका अलग से वीडियो बना के आप लोग के लिए दिया जाएगा, आप उस वीडियो से सीख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो के मूलों के योग का मान होगा। तो मूलों के योग का मान क्या होगा, माइनस दो होगा, टू होगा, सी में कह रहा है 1/2 होगा या माइनस 1/2 होगा। तो देख लेते हैं मूलों का जो मूलों का योग, योग यहाँ पे कह रहा है तो मूलों का योग का मतलब होता है मेरा अल्फा प्लस बीटा कह रहा है यहाँ पर। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर मेरा माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी में यानी माइनस 2/1। देख लेते हैं किस ऑप्शन में माइनस 2/ माइनस ये होगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस यहाँ पर बी से क्वेश्चन में बी आ रहा है माइनस माइनस 2/1, तो यहाँ पर एक का नीचे का वैल्यू नहीं रहेगा तो यहाँ पर सिर्फ माइनस 2 होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं माइनस 2 किस ऑप्शन में, तो माइनस 2 ऑप्शन ए नंबर में है, तो ऑप्शन ए मेरा पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक होगा, क्या होगा विवेचक। तो यानी विवेचक निकालने के लिए बोल रहा है, तो डी निकालने के लिए बोल रहा है, तो डी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। तो बी मेरा क्या है, तो यहाँ पर 16 माइनस 4 गुने ए का मान 2 और सी का मान 3, तो 16 माइनस 4 दुनिया 8 और 8 दिया 24, तो माइनस माइनस 24 में जो किया है 16 गया तो माइनस 8, तो माइनस 8 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, तो माइनस 8 ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x पर डी अगर निकालते हैं तो माइनस 8 मेरा आंसर आ रहा है, माइनस 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 है, 0 का घात होगा। अगर कह रहा है कि 0 का घात होगा तो यहाँ पर 23 में जो कि है अगर घात देखना है तो घात देखना है, तो घात एक्स स्क्वायर प्लस 5x जो कि होगा, तो यहाँ पर घात देख रहे हैं, तो घात मेरा क्या है एक्स पर, एक्स पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स पर मेरा 2 घात है। तो यहाँ पर जो कि पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात क्या होगा, तो घात यहाँ पर देख रहे हैं कि सिर्फ 2 घात है, तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 2 होगा, ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। करा यदि एक्स बराबर रूट अंडर 7 प्लस 4 रूट अंडर 3 तो एक्स प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो 1 इसको हम निकालना पड़ेगा मुझे, तो हम ये यहाँ पर निकाल लेते हैं, यहाँ पर जो कि x बराबर जो कि रूट अंडर जो कि है 2 प्लस 2√3 का स्क्वायर अगर करते हैं तो मेरा आ जाएगा रूट अंडर 7 प्लस 4√3 बन जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि x बराबर 2 प्लस रूट 3 बराबर माइनस रूट 3 1/x बराबर 1/2 प्लस रूट 2 होगा, तो एक जो कि है आएगा 2 माइनस रूट 3, एक जो कि माइनस 4 होगा। तो यहाँ पर जो कि बहुत लंबा है दोस्तों, तो जो कि यहाँ पर मैं ऐसे क्वेश्चन को आंसर बता देना चाहूँगा कि आप इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर 4 आएगा, इसका 4 आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। 24 का मेरा 4 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो कि है 25। करा यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1
बराबर जीरो का सामान्य मूल है तो ए बराबर क्या होगा, तो ए बराबर क्या होगा ये मेरा जो कि क्वेश्चन कह रहा है, तो ए बराबर हम देख लेते हैं, ए बराबर मेरा क्या निकल कर आएगा, तो पहले जो तो ए बराबर जो मेरा सूत्र, तो पहले देख लेते हैं कि डी बराबर क्या होगा। तो डी कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स प्लस टू ए प्लस वन बराबर जीरो का मान समान मूल है तो ए बराबर मेरा क्या होगा, तो समान मूल है यानी डी जो कि है मेरा समान है, डी बराबर मेरा क्या है जीरो है यानी समान होना चाहिए। तो हम डी बराबर मेरा सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो माइनस जो कि है डायरेक्ट कर रहे हैं फोर ए के होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो माइनस फोर ए सी, तो फोर ए सी तो फोर चार दूनी आठ हो जाएगा, इधर आठ ए स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट फोर ए, तो इधर क्या हो गया तो आठ ए स्क्वायर माइनस फोर ए बराबर जीरो, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा फोर माइनस फोर ए, तो ए स्क्वायर बराबर वन बाई टू, वन बाई टू देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, वन बाई टू जो कि ऑप्शन बी है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे डी निकाल लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि 26 कर रहा है द्विघात समीकरण माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव बराबर जीरो के मूलों का योगफल कितना होगा। मूलों का योगफल, योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा है ना, योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस चार बटा माइनस थ्री होगा, तो माइनस चार बटा थ्री, तो माइनस से माइनस खत्म यानी चार बटा तीन देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, तो चार बटा तीन जो कि है हमारा जो कि ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी यहां पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 26 का जो कि मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर जीरो के मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है। वास्तविक और बराबर होने की जो मेरा शर्त होगा जो कि 27 का जो मेरा, तो डी जो कि है वास्तविक और बराबर, तो डी बराबर मेरा जीरो लेते जीरो होगा, ये मेरा क्वेश्चन कह रहा था, तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कर लेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी देख लेते हैं किस में है, तो ऑप्शन जो कि है हमारा ऑप्शन से चलेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो कि है हमारा ऑप्शन बी में है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि थ्री इंटू रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस रूट थ्री बराबर जीरो का विवेचक क्या होगा। तो इसको जो कि विवेचक यानी डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए तो आप लोग को हम बता ही चुके हैं, आप इसे जो कि कमेंट में डी निकाल लेंगे, कमेंट में आप इसे जो कि डी निकालकर आपका क्या ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, जो कि ऐसे मैं इसका आंसर बता देना चाहूँगा कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 64 इसका आंसर होगा। ठीक है, डी निकालकर आप लोग देख लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन बराबर जीरो का विवेचक है, तो ऑप्शन ए में 4, बी में 16, सी में 64, डी में 32, तो अब तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा डी विवेचक, तो डी बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए डी बराबर हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अभी पिछला क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, तो बी स्क्वायर माइनस यानी दो दो के स्क्वायर चार होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर गुने ए का मान तीन, सी का मान एक, तो चार चार या बारह, बारह बारह और माइनस माइनस प्लस, तो बारह प्लस चार कितना होगा, सोलह होगा, सोलह देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, तो सोलह यहाँ मेरा ऑप्शन नंबर बी में है, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, कह रहा है के किस मानों के लिए फोर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस सोलह बराबर जीरो के मूल के बराबर होंगे, तो देख लेते हैं सोलह बराबर जीरो के मूल के बराबर होंगे, तो 16 बराबर जीरो के मूल के बराबर किस में, किस ऑप्शन में है, तो हम देख लेते हैं कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी है यहाँ पर मेरा राइट आंसर 16 जो कि है, तो यहाँ पर जो कि अब बी निकालेंगे, तो बी एक तो यहाँ पर हो जाएगा चार गुने तीन गुने माइनस वन, तो चार बराबर दो बराबर बारह, तो बारह और माइनस चार इधर गया, तो प्लस बारह चार सोलह और माइनस सोलह होगा, सोलह माइनस सोलह देख लेते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक 16 आंसर आएगा, एक निगेटिव में आएगा, एक पॉजिटिव में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो कि क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आप लोग को वीडियो मेरा पसंद पड़ता है तो आप लाइक और शेयर कीजिए, आप अपने दोस्तों में व्हाट्सअप कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।